भावी आईएएस को मेरठ पुलिस ने तमंचा रखकर फंसाया, तो बहन ने यूपी का पूरा सिस्टम हिलाया। आईजीएसी में फरमा रहे थे आराम, योगी के पास पहुंच गई तस्वीर, फिर हुआ कुछ ऐसा कि हो गया हंगामा। अस्पताल में था अंकित त्यागी की ढाल बनी राखी त्यागी का बच्चा, वो लेकर घूमती रही भाई की बेगुनाही का सबूत। रात का अंधेरा और दूर दूर तक पसरा सन्नाटा, ऐसे में मेरठ रेंज की आईजी नचिकेता झा की घर के बाहर एक बहन अपने भाई की बेगुनाही का सबूत लेकर पहुंचती है। वो बार बार पुलिस कर्मियों से कहती है उसे आईजी साहब से मिलना है, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनती। भाई अंकित त्यागी के लिए बहन राखी त्यागी परेशान हो रही होती है, क्योंकि उसके भाई को पुलिस थाने लेकर चली गई थी। उसकी बेगुनाही का सबूत बहन के पास था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। वो आईजी ऑफिस के बाहर बैठी रहती है और बार बार गुहार लगाती रहती है, और तब तक लगाती रहती है जब तक पुलिस वाले आईजी से उसकी बात नहीं करवा देती। आईजी नचिकेता से फोन पर उसकी बात क्या होती है पहले वो सुनिए, फिर आगे की कहानी बताते हैं। हेलो, नमस्ते सर। सर आपके पास वीडियो भेज गई होगी। सर हम बहुत परेशान हैं, हम पुलिस वाले इकट्ठे रखे, हमारे घर के आदमी को बैठा रखा, हम बताओ घर से बाहर खड़े, पुलिस हमारे घर से जाके हमें पीट रही है, मार रही है, सारे बाल को खुलियो पड़े, हम घर से बाहर एक आदमी पुलिस की आवाज आ रही है, सबकी आवाज नहीं जाती। सर उसे तो छुड़वाओ, भैया बैठा रखा हमारा बेचारा। हाँ जी सा। सर तो फोन में वीडियो है, वो तेज है कैमरा। सर कैमरे तो घर में लगे हुए हैं, पर वो फोन से ही कनेक्ट है। हाँ जी, हाँ जी सर, रिकॉर्डिंग डीडीआर में भी पता नहीं मुझे इतना, पर मुझे ही पता है कि फोन में रिकॉर्डिंग है हमारे में। हाँ जी, हाँ जी सर, वो भैया को छुड़वा दो। सर आप थाना खरकोदा नहीं आप। इसके बावजूद भी उस परिवार की सुनवाई नहीं होती है। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दे दिया जाता है। आईजी तक जब बात पहुंच जाती है फिर भी अंकित को नहीं छोड़ा जाता। अब ये बात अगर सीएम योगी तक पहुंचेगी तो आईजी का क्या होगा, आप खुद ही सोच लीजिए। लेकिन उस दिन हकीकत में क्या हुआ था खुद अंकित से ही जान लीजिए। फिर सर मुझे वो रास्ते में ही ले गए, उनके पास में सर एसएचओ सर का फोन आया और फोन पे उन्होंने मेरे बड़े भाई का नाम लेते हुए कहा कि वो नहीं मिला। ओके ठीक है, वो नहीं मिला और मैं छोटे भाई को लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा सर कौन नहीं मिला ये तो बताओ कि तेरा भाई, उसको तेरे भाई को और तेरे बड़े भाई को और तुझे, तीनों को ही हम क्रिमिनल बनाएंगे। अच्छा, तो वो मुझे लेके चलने लगे। मैंने कहा सर हम तो ऐसे है ही नहीं सर, और आप क्या कर रहे हो, हम तो निर्दोष हैं सर। लेकिन उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, हमारी कुछ नहीं सुनी, जबकि सर उन्होंने गाड़ी बुलाने की भी जहमत नहीं उठाई। गाड़ी भी रास्ते में ही हमें मिली और फिर वहां से मुझे जबरदस्ती उतारा, फिर गाड़ी में मुझे धकेला, फिर मुझे सर थाने लेके आ गई। और थाने में जैसे ही मुझे बैठाया सर, तुरंत SHO सर ने कॉन्स्टेबल जो मुझे लेके गए थे उनके साथ सर हैंडशेक किया और उनको ये भी कहा कि गुड वर्क, और स्माइल भी कर रहे थे सर। अच्छा, इतना ही मुझे सर सुनाई दिया, उसके बाद सर गेट बंद हो चुका था। लेकिन उस दिन हकीकत में क्या हुआ था खुद अंकित से ही जान लीजिए। इस केस के बाद मेरठ पुलिस सीएम योगी के रडार पर है। अब तक 3 पुलिसकर्मी इस केस में निलंबित हो चुके हैं, लेकिन सवाल वही है कि जिनके सिर पर जनता की सुरक्षा का जिम्मा है वो ऐसे करेंगे तो भरोसा कैसे होगा।